हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो मेरे भाई लोग, डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी की खबरों के बीच पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन सीएम पंक ने दिलचस्प पोस्ट किया है और फैंस को एक खास संदेश दिया है। तो मैं आप सभी को उनके मैसेज को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में कभी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की रिपोर्ट्स के बाद फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कई डब्ल्यूडब्ल्यूई सेगमेंट के दौरान सीएम पंक के प्रोमो की लाइंस का यूज किया जा रहा है। इसी बीच सीएम पंक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट के बाद उनके रिटर्न को लेकर फैंस चर्चा कर रहे हैं। पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन सीएम पंक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टेड मैसेज शेयर किया है। जैसा कि आप सभी इस फोटो में हमारे सीएम पंक के इंस्टाग्राम स्टोरी को देख सकते हो, उन्होंने इस फोटो में लिखा है, हम फिर से जरूर मिलेंगे। उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस उम्मीद कर रहे हैं वो जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आ सकते हैं। सीएम पंक के AEW से फायर होने के बाद फैंस उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न की संभावना जता चुके हैं। पहले भी बहुत सारे ऐसे खबर आ चुके हैं कि हमारे सीएम पंक की बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने वाले हैं। कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद वो रॉयल रंबल 2024 में रिटर्न आए और शायद वो रॉयल रंबल 2024 को जीत भी जाएं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, सीएम पंक 2005 से 2014 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा थे। अपने इस रेंज के दौरान उन्होंने कई स्टार्स का सामना किया था। इसके अलावा वो 434 दिनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बने थे। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में तो हमारे सीएम पंक AEW से फायर हो चुके हैं, अभी वो किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, अभी के टाइम में शायद हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हमारे सीएम पंक से बातचीत कर रहे होंगे उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न को लेकर। मैं आप सभी को बता दूं, शायद वो बिल्कुल ही हमारे रॉयल रंबल 2024 में रिटर्न आ सकते हैं और इस बार का रॉयल रंबल 2024 वो शायद जीते और हमारे रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया 40 में चैलेंज भी कर सकते हैं, जिससे फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे और उस वक्त वो रोमन रिंग से भी ज्यादा सीएम पंक को पसंद करने लगे। और अगर हमारे सीएम पंक हमारे नए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं तो इससे फैंस बिल्कुल ही नाराज नहीं होंगे, वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि सीएम पंक बहुत ही अच्छे रेसलर हैं और साथ ही साथ उनका फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा है। वो पहले के एरा के बहुत ही अच्छे रेसलर थे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि सीएम पंक ट्रिपल एच के बहुत ही बड़े दुश्मनों में से एक रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या हमारे सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले हैं या फिर नहीं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।